ओके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेटे, वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब नाम्स के चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, प्राइवेट इस चैप्टर में हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ना है, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर देयर फीचर्स, व्हाट आर देयर मेरिट्स, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। सो इन दिस चैप्टर व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर दिस वेरी ईयर डिलीशंस हैव बीन देयर इन द सिलेबस, सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज ऑल्सो नॉट इन अवर सिलेबस। So we are focusing only on public enterprises. So public sector enterprises means the enterprises which are set up in the government sector. So if government wants to, you know, do any economic activity, किसी commercial या किसी भी goods को produce या service को produce करना चाहती है, चाहे वो welfare के लिए हो, चाहे वो security के लिए हो लोगों की, ठीक है, चाहे वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल रेट पे प्रोड्यूस करने के लिए हो, असेंशियल कमोडिटी की प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी चीज की प्रोडक्शन या किस गुड की या सर्विस की प्रोडक्शन हो, देयर आर थ्री डिफरेंट वेज इन विच गवर्नमेंट कैन सेट अप इट्स एंटरप्राइजेस। वन इज, कम ऑन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेटा हमने सारा तो कर लिया, स्टिल व्हाई आर यू अनेबल टू आंसर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म है एंटरप्राइजेस को सेटअप करने का। एज सून एज वी गॉट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट डिसाइडेड, हमारे जितने भी लीडर्स थे तो दे डिसाइडेड कि रेलवे शुड बी टेकन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में ही सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ये तो चलेगी नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक नोवल वे डिसाइड किया, दैट वाज कि इसका हमें एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में ही एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हमारी वो किस तरह से रन करती है, थ्रू इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो गवर्नमेंट ने एक रेलवे का डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, that department was headed by bureaucrats, ministers, ठीक है, and ये traditional form है railway, departmental undertakings, एक traditional most oldest form of organizing business enterprises बन गए, क्योंकि initially जब government ने enterprises set up किए तो ministry का एक department create किया गया। अब क्योंकि ये ministry का department है तो इनके funds भी government से आते हैं, गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। प्लस टू में हम पढ़ेंगे क्या होता है बजट, बजट में क्या क्या देखते हैं, क्या कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट्स की, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन विच गवर्नमेंट स्पेंड्स। तो बेटे जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो रेलवे को अगर हमने मॉडर्नाइज करना है, एक्सपैंड करना है या इवन रन करने के लिए, आप बिजनेस स्टडीज इतना तो आपने पढ़ लिया कि आपको पता चल गया कि बिजनेस को रन करने के लिए इनिशियल कैपिटल की भी जरूरत होती है और उसकी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी पर्पस के लिए अगर रेलवे को फंड्स की जरूरत है वो कहां से आएगी, कहां से आएगी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आएगी, गवर्नमेंट अपने बजट में से अप्रोप्रिएट करके देगी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की उन्होंने फंडिंग करनी है। इसी तरह से अब जो गवर्नमेंट जो रेलवे रेवेन्यू अर्न करेगा वो भी कहां पर जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाएगा, इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, राइट। रेस्ट ऑफ द अदर फीचर्स वी हैड डिस्कस्ड कि इसके जो अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल्स हैं वो भी करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर थ्रू पार्लियामेंट इट कैन एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल, वी हैव डिस्कस्ड इट्स मेरिट ऑल्सो डीमेरिट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
which can be set up in the government, that is statutory corporation, also called as public corporations. इनको हम public corporations भी कह देते हैं. अगर book है book में लिख लो statutory corporations, also called as public corporations. What are statutory corporations, बेटे? These are the public enterprises which are brought into existence by passing a special act in the parliament. अगर government ने decide किया कि हमें लोगों को insurance provide करनी है, और insurance उस time पे, अभी तो private sector भी आ गया insurance में. Initially government ने कहा कि insurance जो है कुछ इस तरह का venture है कि हम private player के हाथ में नहीं दे सकते, कहीं ऐसा ना हो वो लोगों को exploit करें. Insurance एक device है लोगों के loss को compensate करने का, है ना? Insurance के बारे में भी हम detail में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत brief में बता रही हूँ कि government का कारण क्या था insurance sector को अपने पास रखने का. तो गवर्नमेंट को लगा कि ये बेटे जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, जिस टाइम पे ये एंटरप्राइजेस सेटअप हुए हैं, या जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस ली हुई है, उस टाइम पे हम एडवांस्ड नहीं थे, हम डेवलप्ड नहीं थे, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे कॉमन फीचर्स थे. आप कभी पुरानी मूवी देखो, हिंदी मूवी, ठीक है, उसमें आप देखो 1947 से जो रिलेट करती हो या 1950 से रिलेट करती हो, there is a drastic difference today. So that difference, we are better off or not? Are we worse off than 70 years back or better off? Better off. So some of the, you know, credit goes to our policy makers. क्योंकि उस time पे हमने decide किया, हमने ये देखा कि हम अपनी country को अगर develop करना चाहते हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ सकते. सो पब्लिक सेक्टर ने इनिशिएटिव लिया कंट्री को डेवलप करने का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी, ठीक है. तो एक इंश्योरेंस एक्ट, बहुत मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस इंश्योरेंस की. ये नहीं है कि सिर्फ LIC स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, और भी हैं. तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमने सोचा कि इंश्योरेंस को हमने गवर्नमेंट सेक्टर में लाना है. अब इंश्योरेंस हर चीज का बेटे डिपार्टमेंट तो नहीं क्रिएट किया जा सकता, गवर्नमेंट तो हजारों सेक्टर्स में है, तो कैन वी एस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ऑल द कमोडिटीज? नहीं ना. रेलवे वाज यू नो अ ह्यूज एंटरप्राइज, तो हमने उसका डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया. पोस्ट एंड टेलीग्राफ ह्यूज एंटरप्राइज, हमने उसका डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया. लेकिन हर एंटरप्राइज के लिए या हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट एंटर करना चाहती है, उसके लिए हमारे लिए डिपार्टमेंट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है. तो हमने एक और तरीका सोचा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. हमने कहा ऐसा एंटरप्राइज बनाएंगे जिसके लिए एक एक्ट बिल पास होगा दोनों हाउसेस में, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. उस एक्ट में पहले तो जिस एंटरप्राइज के लिए बना, हमने कहा LIC खोलनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो हमने LIC एक्ट बना दिया. तो LIC एक्ट में डिटेल में बताया गया होगा कि जो LIC एंटरप्राइज सेटअप होगा उसके क्या रूल्स उसको फॉलो करने हैं, क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, क्या उसके पास पावर्स होगी, क्या उसको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में वो एंटर कर सकता है, कौन कौन सी फील्ड में वो एंटर नहीं कर सकता. सो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए LIC जो है वो अपना काम करेगा, ठीक है. सो विच मींस स्टैट्यूटरी, चाहे LIC है चाहे RBI है, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. सो ऑल दीज फंक्शन अकॉर्डिंग to the powers, functions given in their respective acts. LIC act के according चलेगा, RBI act के according चलेगा. Time to time amendments हो सकती हैं, modifications हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो उस act के according ही हमें चलना पड़ेगा. अगर हम कोई भी ऐसा, जैसे LIC है,
एलआईसी में लिखा हुआ है कि इट डील्स ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो. आप लोग अपनी एक्टिवा की इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, कराते हो ना, सो अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर, लेकिन एलआईसी व्हीकल की इंश्योरेंस में एंटर नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके एक्ट में उसकी पावर लिमिटेड है टू लाइफ इंश्योरेंस, राइट. सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है ये कॉर्पोरेट बॉडी है क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर. इसको किसने क्रिएट किया? हमारे लॉ ने क्रिएट किया. सो दीज बिकम स्टैट्यूटरी, दीज बिकम कॉर्पोरेट बॉडीज विच हैव बीन क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर. दे हैव द डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्या मतलब क्या है? अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेटे, अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स देयर फंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने खजाने में से, अपने ट्रेजरी में से, अपने बजट में से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फंड्स नहीं देती. दीज आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड. अगर तो एलआईसी की बात करें तो ये अपने प्रीमियम में से अपनी अगर जितनी भी इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो कर लेती है. अगर फिर भी इसको एक्सपैंड करने के लिए और फंड्स की जरूरत है, इट कैन बोरो. गवर्नमेंट से बोरोइंग कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट फंड्स नहीं देगी इसको. समझ रहे हो बात? मतलब अगर गवर्नमेंट फंड्स देती है तो इट हैज टू रिटर्न टू द गवर्नमेंट, ठीक है. सो इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन. कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह कॉर्पोरेट बॉडी है, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है. सो दे हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में देखा जाए, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर है ना, सो दे हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. Departmental undertakings, do they have power of government? No. Anyone? Online? इधर बच्चे बताएं. Tishnur? Departmental undertakings, do they have the power of the government? Only 23 students. Okay, rest might be here. बेटे, yes. Departmental undertakings do have the power of government. Amish, बेटे, बिल्कुल होती है. Government sector में जो भी है उसके पास government की power तो हो गई ना, और वो तो एक ministry का department है बच्चे, तो power कैसे नहीं है, है ना. लेकिन उनका एक drawback था. ये drawback इसी कारण से arise होता था क्योंकि वो these are headed by government bureaucrats. Can you tell me? क्या ड्रॉबैक था उनका? उनमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. दे डिड नॉट हैव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. यू नो दे वर डिफरेंट लेवल्स जहां से उनको अगर कोई डिसीजन लेनी है वो इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकते थे. डिफरेंट लेवल से क्रॉस करके हर एक से अप्रूव करा के फिर वो कोई डिसीजन लेते थे. यानी ना तो वो अपना इनिशिएटिव ले सकते थे और ना ही उनके काम करने के ढंग में फ्लेक्सिबिलिटी थी. बट कमिंग टू स्टैट्यूटरी नाउ, कंपेयर दीज टू. दीज हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट. है बेटे, गवर्नमेंट सेक्टर में दे हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, ठीक है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट ने बनाया ना, तो पावर ऑफ गवर्नमेंट हो गई कि नहीं हो गई? गवर्नमेंट एंटरप्राइज है. बट क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, दीज आर नॉट हेडेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, राइट, दे डू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. उनमें काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है. सो ये इनकी मतलब एक एडवांटेज हो गई एज कंपेयर टू डिपार्टमेंट. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. नंबर वन बेटे, फीचर्स का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स.
आपको मैं पूछूं आपके फीचर्स, यू विल टेल मी आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई लाइक दिस, माई नेम इज दिस, दीज आर योर फीचर्स, राइट। सिमिलरली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, दीज आर सेटअप बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, तो इनका पहला फीचर क्या बन गया, यही, दीज आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है ये ऑब्जेक्टिव्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की ऑब्जेक्टिव्स, इनके पावर्स और इनकी प्रिविलेजेस के बारे में बताता है। What do you mean by privileges? Anyone? Privileges, special rights. Sometimes you tell na, इनको privilege मिली हुई है. She being girl, she is getting privilege. We say so. Privilege means special rights, right? So this is the first feature of statutory corporation, that these are established under an act of parliament. Right, and this act defines the objects, powers, functions, privileges of these enterprises. Then it is wholly owned by the state. What do you mean by state here? Anyone? State ka matlab kya hai? Government? No, not state government. The word state implies government. राइट, द वर्ड स्टेट, जब भी हम इकोनॉमिक्स या बिजनेस टर्म्स में वर्ड स्टेट यूज करते हैं, एक तो स्टेट के कंटेक्स्ट में तो होता ही होता है, कुछ वर्ड्स बेटे ज्यादा कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो स्टेट, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब इज अ स्टेट, बट हेयर द स्टेट इज बींग यूज इन द वे ऑफ गवर्नमेंट। दीज एंटरप्राइजेस आर होली ओन्ड बाय द स्टेट, विच मीन्स गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट ओन कर रही है। गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट्स, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है कि फंड्स गवर्नमेंट नहीं देने हैं, ट्रेजरी में से नहीं देती गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेट जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटे इन ऑर्गेनाइजेशन की, वो गवर्नमेंट की है, और प्रॉफिट्स जो हैं इन एंटरप्राइजेस के वो भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट कर सकती है, राइट। ओके, एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज टू बियर द लॉसेस इफ एनी। बेटे अगर प्रॉफिट गवर्नमेंट ने लेना है, तो अगर ये एंटरप्राइजेस लॉसेस में चली गई, तो वो लॉस भी किसको बियर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, a statutory corporation is a body corporate. What does this mean? It's a body corporate. It's a body corporate. Company ki tarah hai, it has a separate legal entity. It's a body corporate means it has a separate legal entity apart from its members, right? It can enter into contract. That is LIC की हम मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो LIC अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, LIC प्रॉपर्टी ओन कर सकती है अपने नाम से, LIC स्यू कर सकती है आपको, एंड इट कैन बी स्यूड बाय अदर्स एज वेल, ठीक है। कल को आपको लगे कि भी आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी, ठीक है, आपको कंपनसेशन नहीं आई, LIC ने आपको रिफ्यूज कर दिया, सपोज आपकी ऐसा कुछ था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस थी किसी भी सो एंड सो पर्सन की, ठीक है, आई विल नॉट बी रिलेटिंग इट टू यू पीपल, सो एंड सो पर्सन है, उसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराई थी, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, LIC ने कंपनसेशन देने से रिफ्यूज कर दिया कि भी ये डेथ तो हार्ट अटैक से हुई है, एक्सीडेंट से नहीं हुई, ठीक है। तो उसके फैमिली मेंबर्स ने LIC को स्यू कर दिया, सुना कभी ऐसी स्टोरी, न्यूज है ना, सुनते हैं, पढ़ते हैं ना बेटे, स्यू कर दिया, केस फाइल कर दिया, तो इसका मतलब LIC के ऊपर केस फाइल हो सकता है, क्यों हो सकता है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सो इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट बेटे, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड,
ये जनरली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होती है, ये अपने फंड्स गवर्नमेंट की बोरोइंग से ले सकती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने उसमें बजट में से बताएगी कि बजट में ये बताएगी कि रेलवे को इस रेलवे के ऊपर हमने इतना एक्सपेंडिचर करना है, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्चना है, ये नहीं बताएगी LIC के ऊपर इतना करना है। LIC को बोरो लेंड कर सकती है, यानी LIC गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, लेकिन इसके बजट में से फंड्स अप्रोप्रिएट नहीं कर सकती। सो बेस्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू, इफ एनीवन ऑफ यू इज इन टच विद द करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा LIC ने IPO निकालना है अपना। LIC ने इस बजट में अनाउंस किया है कि हम अपना IPO निकालेंगे। अब आपको मालूम है IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक जाती है या कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्राइवेट की तरफ जाती है तो वो अपने शेयर्स इशू कर देती है, पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करती है। फर्स्ट टाइम कर रही है तो इनिशियल हो गया, पब्लिक को कर रही है पब्लिक हो गया, ऑफर लोगों को ऑफर कर रही है आप हमारे शेयर खरीदो, ठीक है, तो फुल क्या बन गया? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी अभी जोमेटो ने अपना IPO निकाला है, सुना कभी जोमेटो? पता है इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज, अभी उन्होंने अपना IPO निकाल दिया। IPO निकालने से क्या होगा? वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, लोग शेयर खरीदेंगे, उनके पास कैपिटल आ जाएगी। LIC ने क्या किया? अपना IPO निकाला। LIC के पास क्या आ जाएंगे? जब आप लोग LIC के शेयर खरीदोगे क्या आ जाएंगे? फंड्स। तो इसने अपने इंडिपेंडेंटली फंड्स अरेंज कर लिए ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फाइनेंसिंग इज डन, नॉट ऑलवेज थ्रू IPO। तो अब उसने ऑब्वियसली परमिशन ली होगी, पहले एक्ट में चेंज किया होगा, ठीक है, तो जाके हुआ। अदरवाइज कोई भी अगर स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है वो अपने फंड्स अपने आप अरेंज कर लेती है। देन बेटे इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक वर्ड पढ़ा था, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग यानी कि वेरिफिकेशन होती है, लेकिन स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में ऑडिट और अकाउंटिंग प्रोसीजर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉलो किए जाते हैं वो इसमें फॉलो नहीं किए जाते। गॉट इट? नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट द एम्प्लॉइज और द सिविल सर्वेंट्स। जो इनके एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते और ना ही सिविल सर्वेंट्स इनको हेड करते हैं। बेटे इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल के साथ, तो जाके समझ में आएगा ये फीचर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन हेड करता है? सिविल सर्वेंट्स, IAS, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। तो स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस में ऐसा नहीं है, दीज आर नॉट हेडेड बाय द सिविल सर्वेंट्स और इनके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं माने जाते। तो इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी कितनी देनी है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से फॉलो करने हैं, वो इनकी एक्ट की प्रोविजंस में लिखा होता है। LIC के एम्प्लॉइज को क्या सैलरी देनी है, क्या उनके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, दैट वुड बी गिवन इन LIC एक्ट, ठीक है। सिमिलरली RBI के एम्प्लॉइज को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उनकी सैलरी कैसे है, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, दैट इज गिवन इन द RBI एक्ट। गॉट इट बेटे? ठीक है, ये हो गए इनके फीचर्स। लेट्स क्रिटिकली इवैल्यूएट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय डिस्कसिंग इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो बेटे पहला मेरिट, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन द फंक्शनिंग विद द हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? ब्यूरो रेड टेपिज्म था, फ्लेक्सिबिलिटी काम करने की नहीं थी, डिसीजन मेकिंग में डिले होता था। लेकिन ये तो हेड, दीज आर नॉट हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स। जस्ट कंपेयर, एक क्लास में टीचर है
दूसरी क्लास में टीचर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन लेना है, मैं कहती हूँ पहले से मेरे से पूछोगे, ठीक है। उसके पहले आपका सीआर आपसे डिसाइड करेगा, सीआर मेरे पास आएगा, मैं आगे जाऊंगी प्रिंसिपल मैम के पास, प्रिंसिपल मैम आगे मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी क्लास को हमने इंडिपेंडेंस दे दी, ठीक है, इनको इनके टीचर नहीं है, हमने सीआर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भी, आप देख लो जो डिसीजन लेना ले लो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसमें हुई, इस सेक्शन में कि दूसरे सेक्शन में? दूसरे सेक्शन, क्यों? वहां पे मैडम प्रेजेंट नहीं है, मैम कैसे हिंडर कर रही है, मैम कहती है पहले मेरे पास लेके आओ, मैं प्रूव करूंगी, फिर मैं आगे जाऊंगी, फिर आगे 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 जाएगा, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल, आपके पास इनिशिएटिव लेने की पावर नहीं है, तो वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट केस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रिलेट करता है, सेकंड केस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास के साथ रिलेट करता है। क्या केस हो गया ये? दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जहां पे इंडिपेंडेंस है वहां फ्लेक्सिबिलिटी है ही है। घर में बैठे थे ना, इंडिपेंडेंस थी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, जब मर्जी उठे, जब मर्जी खाना खाया, क्लास चल रही है साथ में खाना खा लिया, करते थे ऐसे। अब यहां पे आ गई फ्लेक्सिबिलिटी, खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, ठीक है। अब रिलेट हो गया, ओके। नेक्स्ट, सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूडिंग देयर इनकम्स एंड रिसीट्स। बेटे आपको पॉकेट मनी कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। तो पेरेंट्स कभी आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो पेरेंट्स टोकते हैं, पूछते हैं ना, ये क्यों, यहां पर क्यों खर्च दिए, ऐसा क्यों कर दिया, क्यों? क्योंकि वो आपको फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो आपको टोकते हैं, पूछते हैं, इंटरफेयर करते हैं। आपके पेरेंट्स कहां से पैसे लेते हैं? खुद अर्न करते हैं, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनको टोकते नहीं है कि भाई क्यों इतने पैसे खर्चे, क्या डिफरेंस है दोनों में? यू टेक फंड्स फ्रॉम योर पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। सो सेम इज द केस हियर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फंक्शनिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एनीवन हैविंग एनी डाउट?